रिवर है जो चाइना से कनेक्टेड है, इसमें पानी चाइना से आ रहा है। वाह कितना ब्यूटीफुल सीन है, पहाड़ी म्यूजिक को बहुत लाइक करते हैं। लगता है कि बादल जो है बिल्कुल पहाड़ों पे होते हैं और आप हाथ से उनको छू लें, धुआं जैसा महसूस होगा। और कुछ जिस होटल में मैं रुका था उसे मैंने सुबह छोड़ दिया है और चाइना बॉर्डर की तरफ जाता हूँ। बस में बैठे हैं, इसमें सिर्फ दो या तीन सवारी हैं, बस ज़्यादा लोग नहीं। आइए चलते हैं चाइना बॉर्डर। नेपाल में प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है कनेक्टिविटी और कन्वेंस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरी रीज़न ये है कि सब माउंटेन एरिया है यहाँ, अगर आपको कहीं पर जाना है तो बस मॉर्निंग में बस मिलती है और मॉर्निंग में अगर छूट गई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको बस मिलती है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के अंदर थोड़ी देर में बसें आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ बस आज अगर आप मॉर्निंग में आएँ तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही बस आपको मिलेगी। यही मेरे साथ भी हुआ, मुझे 170 किलोमीटर जाना था लेकिन 70 किलोमीटर आए इस बस ने मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे वहाँ पर स्टे करना पड़ा एक होटल में, उसके बाद में अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बस पर बैठा हुआ हूँ और चाइना बॉर्डर की तरफ चल रहा हूँ। अभी बस रुकी थोड़ी देर के लिए तो मैं नीचे उतरा और ये देखिए ये बस है जिससे मैं जा रहा हूँ, ये जा रही है चाइना बॉर्डर तक। देखिए बस थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक जाती है और ये वैन होती है जिसमें ये सब्जी वगैरह या जो सामान है इस पर लोडिंग कर दी जाती है। हालांकि थोड़ा सा इंडिया में भी होता है लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है पहुँचाने का, बस यही एक साधन होता है सामान को ले जाने का। देखिए आप ये देख सकते हैं ये एक छोटी सी रिवर है जो चाइना से कनेक्टेड है, इसमें पानी चाइना से आ रहा है और इसे हुडकी रिवर कहते हैं। रिवर क्या है तो कैनाल लग रही है और आप पहाड़ों का सीन देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल सीन है, ब्यूटीफुल। ये सुबह के 7:45 हैं, अभी सनराइज नहीं हुआ है और हम चल रहे हैं चाइना बॉर्डर। देखिए वो दूर पे भी आप एक रिवर को देख सकते हैं, वो भी चाइना से ही आ रही है। आप चाइना की आप जो नेपाल में सभी बसों में देखेंगे कि बस वो म्यूजिक लगा देते हैं। देखिए ये रिवर है, ये रिवर भी है जो चाइना से आ रही है। जर्क बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बस में, और ऐसे ही होता है पहाड़ों में चलते समय। प्यारा सीन, ये सनराइजिंग का सीन है। शेख पढ़ रही है माउंटेन पर, ये कलकल कहती नदी बह रही है, बहुत प्योर वाटर है, पॉल्यूशन फ्री वाटर है, इंप्योरिटीज है नहीं पानी के अंदर अगर आप देखते हैं। वाह कितना ब्यूटीफुल सीन है, पहाड़ पर जब सनराइज पड़ रही है उसके ऊपर आप देखें।
पहाड़ी म्यूजिक को बहुत लाइक करते हैं। अब कंटिन्यू सॉन्ग्स बजते रहेंगे, ये खत्म होता है फिर दूसरा लगा देते हैं। और ख़ासकर ये अपने जो पहाड़ी सॉन्ग या पहाड़ी म्यूजिक है उसको बहुत लाइक करते हैं। देख सकते हैं रिवर में पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा पानी आ रहा है बस। बादल जो हैं बिल्कुल पहाड़ों पे होते हैं और आप हाथ से उनको छू लें, धुआं जैसा महसूस होगा और कुछ नहीं। देखिए माउंटेन जो है बिल्कुल सिल्वर की तरह से चमक रहे हैं। देखिए कितनी खड़ी बिल्कुल सड़क है। कितना कोहरा छा गया एकदम से, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग बहुत हाइट पर हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है कोहरे की वजह से। देख सकते हैं जरा भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ धुंध ही धुंध दिख रही है। देखिए नीचे की वैली बहुत हल्की सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा ही होता है कि एकदम से आसमान साफ होता है और एकदम से जो है बादल छा जाते हैं और एकदम से कोहरा सा छा जाता है, और इस वक्त वही मंजर है। कसरी उड़ सक्छ 3200 रुपियाँको फर्क पऱ्यो ग्यासकेट। देखिए कितना जबरदस्त सीन है ये। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे होते हैं पहाड़ के। बादल देखिए बिल्कुल नीचे बैठे हैं। हम तो कहीं जा रहे हैं ये व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, सब बादल हैं और पहाड़ों बीच में छोटे छोटे से गांव नजर आ रहे हैं। बस यहाँ 4-6-10 गांव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10। दूर तक आप नज़ारा देख सकते हैं।
तो वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देखिए यहाँ पर सभी पहाड़ी इकट्ठा हैं, कोई फंक्शन है किसी तरह का। देखिए कितनी गहरी खाई, बहुत ज्यादा डिप्थ इस वैली के अंदर। ये बस हमारी रुकी होगी, ले जाओ ना।